बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग सब खैरियत से होंगे? बोल रहे हैं कहाँ गायब रहती यार, कसम से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और एक तो अगर हम घर में भी सोचें ना व्लॉग बनाने के लिए, तो हमारे तो पत्ती ही नहीं होती, 24 घंटे लाइट डेज होती, कभी लाइट आ रही कभी डेज जा रही। फिर मानिए कि माशाल्लाह से जो फ़ोन है ना, वो इतना हमें काला और इतना गंदा दिखा रहा होता है कि हम बोलते भाई व्लॉग ना ही बनाओ तो अच्छा है। तो सबसे पहले उन सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोगों को हमें बहुत सपोर्ट करना है, वॉच टाइम बहुत नीचे आ गया यार। फिर जल्दी जल्दी ताकि जो है ना वो जो 2 साल की मेहनत है वो जो है ना वो रंग गया। अच्छा, यहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई आपने किस तरीके से सब्सक्राइबर्स अपने पूरे किए, तो भाई मेहनत से 2 साल की मेहनत लगी। तो मेहनत जब होती है ना तो चैनल पूरी जो है लोग सब्सक्राइब कर जाने हैं उसमें जाने। मैं आपको बता दूँ कि आज जो ना मेरे फ्लैट के सामने एक मार्ट है बिग बाय, वहाँ पर हम लोग अक्सर आते हैं, वहाँ के गोल गप्पे बहुत मज़े के होते। तो आपको पता कराची का मौसम आज कल बड़ा हंसी हुआ है, तो मैंने हमारी सोचा क्यों ना चल के गोल गप्पे इन्जॉय करें। दो को तो हम घर में छोड़ के आए भाई, वो सारे गोल गप्पे खा जाते पहले उसमें। वो देखें आप जरा, यहाँ पर जो है ना कुछ फनलैंड बना हुआ बच्चों का छोटा सा, तो मानिया को जंपिंग मान है। तुमने अपनी अपने आपने हालत देखी तुमने, तो चले वहाँ पे गोलगप्पे वाले हैं, हम लोग उनके पास चलते हैं। उनके गोलगप्पे बहुत मज़े थे, खासतौर पर स्पेशल उनकी जो पानी है ना, वो पानी गोलगप्पों का हर जगह पे अच्छा नहीं होता। और मीठी चटनी भी उनकी बहुत मज़े की है और बहुत मज़े के गोलगप्पे चले। अब पूरे दिखा दे। अच्छा भाई, यहाँ पर जो ना बोरे सामने वो गोलगप्पे वाले भाई और उनके गोलगप्पे बहुत अच्छा, और इनका जो मतलब यहाँ पर ना पूरा ही बना हुआ है, छोटा सा जो पॉट है वो बना हुआ है। और बहुत मज़े के जो है ना वो यहाँ के गोलगप्पे होते हैं। भाई को मैंने बोलते थे भाई यहाँ पर गोलगप्पे बहुत मज़े के हैं, तो हमने वीडियो बना ली, तो वो भी बड़ा खुश हो गए, कह रहे हाँ बना लो बना लो। फिर चलते और खाते दबाए, तो दबाया पागल हो चुकी है वाली समझिए, मुझे इसका फोन चलाना नहीं आता, इसकी माँ को बिल्कुल जाहिर समझ गया कि चले आप जो है ना वो भाई ये है वो गोलगप्पे वाले भाई, इनके गोलगप्पे बहुत मज़े के हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भाई हम कहीं ना जाएँ, तो इन्हीं के जो गोलगप्पे हैं वो खाएँ। उनके पास चाट भी है और गोलगप्पे ही हैं, और ये और इनके गोलगप्पे। तो जो ना वो भाई से मैं बात करूँगी और बोलूँगी भाई आप गोलगप्पे बनाएं ताकि फिर हम वो खाएँ। भाई ये रहे वो गोलगप्पे वाले भाई, इनके पास हम लोग आते हैं और बहुत मज़े के गोलगप्पे चटनी के लिए। फिर मैंने बोला क्यों ना जब इतना मज़े के गोलगप्पे हैं तो इनकी वीडियो बनाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बताएं, हर किसी के गोलगप्पों का पानी ना अच्छा और मज़ेदार नहीं होता, इसमें क्या है ऐसा जो इतने मज़े का पानी है? ये रहा वो पानी इसमें खाएँ आप ऊपर से, और इसके अंदर मुझे सॉफ्ट नज़र आ रही है ना। फिर मैंने भाई को बोला कि वो जो ना आप हमारे गोलगप्पे बनाएं। सबसे स्पेशलिटी ये कि गोलगप्पे यहाँ के बनवाने के लिए कि इनके गोलगप्पे बहुत फ्रेश हैं, गोलगप्पे हर जगह के फ्रेश नहीं होते, बहुत ज़्यादा इनके गोलगप्पे फ्रेश हैं। और अच्छा, अभी तो जो ना वो भाई बना रहे हैं चाट, और गोलगप्पे भाई इनका प्रोसेस रुक गया था, तो ये अब ये प्रोसेस जो है ना उनका बनाया गया। ऐसे कभी हमने इनकी अभी ट्राई नहीं की, चाट भी हम ट्राई करेंगे, लेकिन अभी जो है ना वो स्पेशली हम आए इसलिए यहाँ पर है कि भाई गोलगप्पू की जो है ना वो इनके गोलगप्पे बहुत फेमस है, और जो कूलर रखा उसके अंदर जो पानी है ना वो बहुत मज़ेदार है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि आप देखें स्टॉल्स जो होते हैं ना वो बहुत कम साफ़ होते हैं। अगर आप बाहर खाना खाएँ, इनका स्टॉल बहुत नीट एंड क्लीन है, आपको कहीं पर भी कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी। सबसे अच्छी होती है ना वो हाइजीन का ख्याल जो है ना वो रखा जाना चाहिए, तो जब हाइजीन का ख्याल रखा जाता है ना तो चीज़ भी जो है ना वो ज़रा सी से पाक होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये भी आप गोलगप्पे ही बना रहे ना? जी जी, पानी देखिए गोलगप्पे की फिलिंग बना रहे हैं, ये देखिए आ रहे हैं ना वो पानी। जब मैं खाती हूँ तो मेरे भी बहुत मज़े, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं आगे गोलगप्पे, मैं कहीं नहीं जाती खाने के लिए। हाँ, गोलगप्पे की इनकी जो फीलिंग है ना वो फुल होती है, बहुत मज़ेदार होती है, और पानी भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। अच्छा, ये चटनी आप किस चीज़ से बनाते हैं? मीठी चटनी आपकी बहुत मज़े की है, गुड़ होता है और चीनी होती है। गुड़ और चीनी से? सही, गुड़ और चीनी है, और इसकी जो जायका है ना वो अलग ही है, बहुत मज़ेदार है इनका जो है। क्या ले लूँ? मानिए जब बाहर आती है ना तो उसके दामे शुरू हो जाते हैं कि चाट भी ले लें, खर्चा करवा लें भरपूर। क्या जी? हाँ, वो मैं भी पूरा दिखाऊंगी। फूड कोर्ट मैंने आपको दिखाया है, पूरा एरिया बना हुआ है वहाँ पर, और भाई ने जो भाई सारे गोलगप्पों की सेलिंग कर दी है। अच्छा, ये जो आपको मसाला होता है ये भी अलग से होता है ना, ये आप लोग खुद ही बनाते हैं? स्पेशल मसाला है हाँ, मीठी चटनी एक अलग से, हाँ 6 में डालते हैं, ऐसा करें 6 में डालते हैं, क्योंकि मानिया साहिब इसको खाई जाती है ना। ये देखें फिलिंग देखें बस, आप इसकी ज़बरदस्त और तो भरपूर होते हैं ना, ये खाने के बाद उसको मज़ा आ जाता है। भाई ने 6 में हमने डलवाई मीठी चटनी, और 6 जो है हमने साथ रखी, क्योंकि मानिया से नहीं खाई जाती मीठी चटनी। और अब जो असल जो इसका जो जायका है ना वो ये है इसका पानी। आपने तो बर्फ डाली जी?
भाई उसमें उन्होंने बर्फ़ डाली तो अच्छा, मैं तो समझ नहीं, नॉर्मल होता होगा शायद, लेकिन उन्होंने बर्फ़ डाली हुई ठंडा करने की। ठीक है, हो गया रेडी है? चलिए भाई रेडी हो गया, जो है ना हम टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे। जायका तो है मज़ेदार, लेकिन टेस्ट करेंगे ना फिर साथ साथ आपको पता चलेगा। ये देखें वाने, तुम तो नहीं खाओगी ना? खाऊंगी। वानिया तुम्हारा गला ख़राब है यार। नहीं भाई खाओ, अभी बताती हूँ, बोलती हूँ छः सारे खा लेंगी ये, बताओ अभी। हाँ बता दो, बोलते सारे खा रही है ये। अच्छा ये जो ना बहुत कोई कैसे खाऊंगा मैं, कैसे खाऊँ, बड़ा मज़ेदार क्या है, मज़ेदार। अब सारे गोलगप्पे गीले हो जाएंगे अपनी साइड से। खाए तो बोलो, तो आप तो गिर गया। सबसे मैंने तो भाई मीठा बनाया था, और अब बाकी जगह इसके हिस्से देखा कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। डिंग माओ बच्ची इतने गौर गौर से देख रही है। जो लो पूरा ही खा लिया, बहुत मज़े का, बहुत मज़े का है इसका जायका, बता नहीं सकती आपको। तुम तो नहीं खाओगी ना? खाऊंगी यार, इसका जो पानी है ना, अम्मा मेरे गोलगप्पे गीले हो रहे हैं यार। इसका जो पानी है ना बहुत मज़ेदार है, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है इसका पानी। और कुछ गोलगप्पे का पानी ऐसा होता है जिसमें टाटरी बहुत ज़्यादा होती है, जब आप पीते तो आपके गले में लगता है, गला ख़राब होता है। लेकिन इसका पानी जो है ना, इन्होंने इतना इसमें हर चीज़ की मिटा रही थी मुनासिब है, जब आप पियेंगे ना तो आपका गला ख़राब नहीं होगा। सबसे अच्छी बात अम्मा लेक्चरर बन जाती है फ़ौरन। तो आप यहाँ आने, जब आप बिग बाय आएँ तो आप यहाँ के गोलगप्पे से ज़रूर ट्राई करें। पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है, लेकिन स्पेशली आपने गोलगप्पे ट्राई करने, बहुत मज़ेदार है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इसी तरह छोटे छोटे ब्लॉग्स आप तक पहुँचते रहेंगे। आपने चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। जल्दी बोले खाना है मुझे। पानी है मुँह में पानी खराब है मेरे, पता है ये करें आप इस गोलगप्पों की वजह से। तो आपने वानिया की वजह से मेरी जल्दी एंड कर दी। और आपने जो है ना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, किसी की बातों में नहीं आना। दुनिया हमेशा आपको रोकेगी, जब भी आप कोई काम करेंगे वो आपको पीछे धक्का देगी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पे अच्छा बनते हैं, लेकिन वो आपके पीछे जो है ना वो छुरे घोंप रहे होते हैं। सीरियसली यह एक हकीकत बात है। तो आपने बहुत ज़्यादा खा लेकिन चाहते हैं आप बात रहे, चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।